हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.2। ओके, हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज 12.2 डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी की बुक का। हमने ऑलरेडी 12.1 डिस्कशन कर लिया है, आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने वहां पे डिटेल में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ। एंड देन मैंने वहां पे एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन डाल रखा है पूरी तरह। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे वन बाय वन, हर एक क्वेश्चन को डीपली डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझने होंगे। ठीक है, जो कि एक्सपोनेंट्स पावर में एक एक कंसेप्ट यूज हुए हैं, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने हर एक वीडियो को अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, हर एक टॉपिक्स को, कि कैसे एक्सपोनेंट पावर कैसे कन्वर्जन करते हैं, क्या क्या उसके लॉज होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में भी मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो डाल रखा है, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो गिवन नंबर्स हैं हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.000, अब इसे काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर लिखा है 85। ठीक है, हम इसे काउंट करते हैं और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब कोई भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो m इंटू 10 to the power n। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बहुत अच्छे से, जहां पे जो n होता है ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है? इसका सेंस हुआ जब आप पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को जब आप राइट साइड शिफ्ट करते हो तो आपका एन होता है नेगेटिव, एन आता है आपका नेगेटिव में। और जब आप इसी पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जब, अगर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें लिखना है ना इसे एम इंटू 10 to the power n फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एन को लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, पहले ये बेसिक है, ये जब आप समझ लेंगे ना तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजिली कर लेंगे, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं कि जब हम इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इट मींस जो भी आएगा वो 10 का पावर नेगेटिव आएगा। अभी मैंने आपको बताया जब राइट करेंगे तो नेगेटिव आएगा और जब लेफ्ट करेंगे देन पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए हम इसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो हमने आप पॉइंट्स उठाया और हमने इसको लाना है इधर, तो हमने क्या करना है, हमने करना 8.5 × 10 to the power। यही तो हमें पता है करना कि क्या आएगा 10 to the power। ठीक है, अब देखते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जो आपका m होता है, जो m होता है वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका m है वो 8.5 है, जो कि 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। हमने शुरू किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की है 12 टाइम। ठीक है, हम जो राइट साइड शिफ्ट हुए हैं वो हम 12 टाइम शिफ्ट हुए, तो इट मींस हमारा नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड शिफ्ट हुए हैं और हमने काउंटिंग करी ना, हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ मतलब 12 प्लेसेस पे शिफ्ट किया, तो हमारे क्या जाएगा, -2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इतना अच्छे से पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से कि जब हम राइट करते हैं नेगेटिव होता है, लेफ्ट होता है तो पॉजिटिव, बस इतनी सी बात आपको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है इसमें। है आपको लिखा है, सबसे पहले आप क्या करो, इसे लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब आप यहाँ पे पॉइंट लाओगे तो आप लिखोगे इसे 9.42, ठीक है, × 10 to the power। यही तो आपको पता है करना है, तो हम इसे काउंटिंग करते हैं। हमने पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट किया राइट साइड, दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगेन हम देख सकते हैं ये हमारा अगेन 12 टाइम शिफ्ट हुआ है।
ठीक है, जब ये 12 टाइम शिफ्ट हुआ है और वो भी ये राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, रिमेम्बर दिस, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 12, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 12, ये हो गया आपका आंसर बस। ठीक है, आपको खाली यहाँ पे काउंटिंग करनी थी, अगर आपने एक भी जीरो को मिस कर दिया तो आपका फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसमें क्या है, इसमें आपको पॉइंट लगाना है और आपको दिख रहा है जो आपका नंबर है वो क्या है, 602 है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 6.02, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पॉइंट को यही तो शिफ्ट करोगे 6 के पास, क्योंकि आपको पता है आपको m को किसके बीच लाना है, 1 टू 10 के बीच, अभी क्या हो गया ये 6.02 है, देन आपको लिखना है 10 का पावर, अब ये हमें पता करना है। तो आपको पता है हम यहाँ से अब इस बार लेफ्ट साइड मूव करेंगे, जब लेफ्ट मूव करेंगे तो आपका 10 का पावर पॉजिटिव आएगा। अब हम काउंट करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आप देख सकते हैं कि हम इस बार 15 टाइम्स मूव किए हैं, बट डिफरेंस क्या है, हम इस बार लेफ्ट साइड मूव किए, जैसे हम लेफ्ट साइड मूव किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 6.02 × 10^15 और 10^15। ठीक है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, बहुत आता है। ठीक है, ओके, तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। आपको पता है इसमें आप क्या करोगे, आपको देखिए 837 है, सबसे पहले आप परफेक्ट नंबर ढूंढिए, यही आपको दिख रहा है, तो आप पॉइंट लगा के या आप यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट करोगे 8 के पास, इट मींस आप लिखोगे 8.37, आपने कर दिया। अब देखिए आपको करना है 10 का पावर पता करना है, तो भाई 10 के पावर को पता करने के लिए पहले आपको ये बात तो समझनी होगी कि हमें शिफ्टिंग किधर करनी है, राइट की लेफ्ट, तो आपको पता है आप पॉइंट को उठा के राइट में लाओगे, जब आप राइट में लाओगे तो आप क्या करोगे, आपने उठाया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इट मींस आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा नेगेटिव में 9, मतलब -9। ओके, तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप कुछ वीडियोस को देख के समझिएगा, फिर आप खुद भी ट्राई करेगा क्वेश्चन। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें देखिए इसमें पॉइंट तो दिया नहीं है, इट मीन आपको पॉइंट को लगाना है, तो आप कैसे करोगे, आप इसे यहाँ पे उठा के इधर से शिफ्ट करोगे पॉइंट, तो मींस क्या जाएगा आपका 3.186 तो आना है, एंड देन 10 का पावर आपका यूज ऑफ क्या लगाओगे, आपको पता है आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो पावर पॉजिटिव में आएगा, तो चलिए हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इट मींस आपका पावर क्या आ गया, आपका पावर आ गया 10 पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, जो कि हो गया 3.186। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 3.186 × 10^10। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, आप देख सकते हैं स्टैंड फॉर्म में हमने कैसे इसका कन्वर्जन कर रखा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। ओके, अब हमारा वो हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इस बार हमें ऑपोजिट करना, इस बार क्या होगा ना, इस बार आपको पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, आप देख सकते हैं ना सारे क्वेश्चंस कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं, और आपको करना है क्या, आपको ऐसे यूजुअल फॉर्म में लिखना, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी आपका प्रीवियस क्वेश्चंस में थे ना, ये सारे यूजुअल फॉर्म्स में थे, ये सारे आप देख सकते हैं जो यूजुअल फॉर्म्स में थे, आपको उसको इस तरह लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसे लिख के देखते हैं, हम इसे कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है 3.02 ऐसे आपने लिया और 10^-6, इसे करने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो यही है कि आप इस नंबर को उठाइए, ठीक है, और ऐसे ऐसे लिख दीजिए 3.02, पहले ऐसे लिखिए, अब इस 10^-6 ने इसे पहले पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव कैसे होगा, तभी नीचे जाएगा, चुपचाप से इसे नीचे बैठा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आपके एक्सपोनेंट्स ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका पावर निगेटिव हो जाता है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे अगर पॉइंट से हटा दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 302/10^6 पहले से था, और जब पॉइंट हटाया तो आपको पता है यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10^2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ क्या आ जाएगा 302/10^8, ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, ये मैंने कैसे लिख दिया 10^8। ठीक है, अगर आपने लॉस समझा है तो आप फटाक से बता लोगे कि मैंने कैसे करा, मैंने क्या करा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे m into n वाला लॉ लगाया, लॉ क्या था हमारा
a का पावर m इंटू a का पावर n गिव राइज टू a का पावर m प्लस n, बस हमने वही लॉ को लगाया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है, m प्लस n 62 प्लस 8 कर दिया। अब क्या आया हमारा, अब जब हमें इसे पूरी तरह सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसे लिखेंगे, देखिए अब समझिएगा, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये 10 का पावर नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 302, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए 302। अब आपको पता है कि आपको 8 टाइम्स पॉइंट लगाना है, ठीक है, इसका सेंस क्या है कि 10 रेज टू द पावर 8 का सेंस क्या है कि नीचे आपके 8 जीरोज है, तो अगर आपको इसको हटाना है तो आपको नीचे पॉइंट करना पड़ेगा ऊपर। तो देखिए आप, आपके 3 नंबर्स ऑलरेडी रिटर्न है, आप अगर यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, देखिए 3 है 2 5 देन आपका 8, आपको पता है ये हो गया आपका आंसर। अभी कैसे हुआ आप सोचोगे, देखिए समझिएगा, पहले आपने क्या किया इसको, देखिए जब आप इसे काउंटिंग, अब सब समझिए, जब मैंने ये पॉइंट रिमूव करूंगी तो मैं नीचे क्या आएगा, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, 10 का पावर 8 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पास 10 डिजिट्स हैं। तो मैंने वही तो काम किया, मुझे ये हटाना था, मुझे यही तो रिमूव करना था, तो मैंने ऊपर क्या करा, मैंने पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स लगा दिए, ठीक है। डिजिट्स के लिए मैंने क्या करा, ऑलरेडी इसमें 302 गिवन था तो 3 डिजिट तो मुझे मिल चुकी थी, ठीक है, पॉइंट के बाद, बट मुझे मुझे 8 डिजिट चाहिए था, तो 8 डिजिट को करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 जीरोस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल है, खाली आपको सोचना है क्या, आपको इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आना है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली जीरोस को काउंट करना है, जितने आपको जीरोस नीचे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्या है, ये आपका 4.5 × 10⁴, तो इसे सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 4.5 है, आप क्या करो, आप इस पॉइंट को हटा दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर क्या है, 10 का पावर 4। अब आप देखो इस बार आपका पावर पॉजिटिव में था तो मैंने इसे अपॉन में नहीं किया, यहाँ आपका पावर नेगेटिव में था इसलिए मैंने इसे अपॉन में करके पॉजिटिव, ओके। अब देखते हैं, अब आप देखो ये है 45/10 एंड ये है 10 का पावर 4। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके भी थ्रू ये क्या बन जाएगा, 45 × 10�³। अभी कैसे हुआ, यहाँ पे 4 जीरोस थे, यहाँ पे 1 जीरोस था, 0 0 कैंसिल आउट होके आपको कितने दे दिया, 3 जीरोस दे दिया, या फिर आप इस तरह समझिए। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पावर 1 लगी हुई है एंड बेसिस आर सेम, तो a का पावर m माइनस a का पावर n मतलब 4 − 1 = आप ये भी समझ सकते हो, कैसे मैंने बोल दिया कि a का पावर m अपॉन a का पावर n, इट मीन्स 10 का पावर 4 / 10 का पावर 1 = 10 का पावर 4 − 1 = 10 का पावर 3, बस वही तो चीज आपको मिली, ठीक है। तो इस तरह भी समझ सकते हैं, बाकी सिंपल है, आप उसे कट भी कर सकते हो। अब देखिए अब क्या है, अब लिखा क्या है, आपको 45 में मल्टीप्लाई करना है 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब 3 जीरोस मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 45 और 3 जीरो, यही आपका आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं, ठीक है, खाली आपको ये पॉइंट हटाने आने चाहिए और आपको ऐसे यूजुअल फॉर्म में लिखने आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी समझते हैं क्या है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ है 3 × 10⁻¹। ये है, अब आप जैसे नेगेटिव देखो तुरंत आप समझ जाओ इसे आपको कर लेना पॉजिटिव, मतलब 3/10⁸। नॉर्मल सी बात है, जब ऊपर से नीचे की ट्रांसपोज होगा तो पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा इसी इसी फॉर्म में बन गया। अब हमें करना क्या है, हमें पॉइंट लगाना है ऊपर की साइड, कैसे करेंगे, और पॉइंट के बाद 8 डिजिट होने चाहिए। देखिए पहले पॉइंट लगा लीजिए, आपको पॉइंट के बाद 8 डिजिट चाहिए, तो 8 डिजिट कैसे आएंगे, आप यहाँ पे जीरोस लगाते जाइए, जीरोस लगाते जाइए, कितने बार जीरोस लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस लग चुके। अब देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि भाई नंबर तो 3 गिवन था ना, मैंने 3 के बैक साइड में जीरोस लगाए। अब आप अगर काउंट करोगे तो पॉइंट के बाद आपके 8 डिजिट हो गए, बस आपका आंसर आ गया, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि अब जब आप इस पॉइंट को रिमूव करोगे, जब आप इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10⁻¹, ठीक है, यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस कितने सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, स्टैंड फॉर्म बहुत ही इजी है,
बस आपको समझना है, एक भी पॉइंट इधर से उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह गलत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहते हैं। ओके, तो अभी हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट भी है सेकंड में, हम इसे समझते हैं। इसमें भी हमें वही करना, यूजुअल फॉर्म में करना, तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। पहला क्या हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, 1.0001 into 10 to the power 9। सबसे पहले क्या करिए, पॉइंट को हटाइए। पॉइंट हटाते ही हमारा क्या आ गया, देखिए पॉइंट के बाद में फोर डिजिट से 10 का पावर 4 आ जाएगा, जितने डिजिट उतने जीरो। ठीक है, अब समझिएगा, अब जैसे ये आपने लिखा फिर आपको पता है यहाँ पे क्या है 1001, ये ऐसे हो गया क्योंकि पॉइंट हट चुका है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 10 का पावर 9 माइनस 4। ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैंने कैसे कर दिया, मैंने लॉ के थ्रू किया। a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, उसी के थ्रू मैंने यहाँ पे देखिए बेसिस सेम थे तो मैंने यहाँ पे 10 का पावर 9 माइनस 4। अभी क्या आ जाएगा 10 का पावर 5, देखिए मैं यहाँ पे ये लिख दूंगी। मैंने यहाँ पे क्या लिखना, 1001 × 10 to the power 5। समझ रहे हैं मैं 10 to the power 5 लिखा कैसे, क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर 9 था और 10 का पावर 4 था। ठीक है, आप समझिए इसका सेंस अब क्या है कि आपको 1001 तो लिख देना है और आपको यहाँ पे 5 times 0s मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब आपको s, देखिए ये आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10001 एंड आपका 5 times आ जाएगा 0, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये मैंने साइड में समझाने के लिए करा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि फोर्थ पार्ट मैंने कैसे करा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेन यूज कर लेती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझते क्या है, देखिए 5.8 है इंटू 10 to the power आपका 12 है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। रिमूव करते हमारा क्या आ जाएगा 10, हमारा सिंगल 10 आ जाएगा नीचे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब देखिए 10 का पावर 12 है, इसका सेंस क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 का पावर 1 है। अगेन हम इसी लॉ को लगाएंगे, लॉ लगाते हमें क्या मिल जाएगा, 58 × 10 to the power 12 - 1, आपको क्या मिल गया, 58 × 10 to the power 11। जैसे आपको ये मिला अब आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है, 58 में 11 टाइम जीरोस मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, ऐसे आप काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आपका क्या आ गया आंसर, 58 पे आप 11 जीरोस लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका आ चुका है। ठीक है, अब देख रहे होंगे कितना सिंपल है। ठीक है, खाली आपको उसको ब्रेक करते जाना है और आपको जीरोस लगा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ये बोलता है कि आपको करना है 3.61492, इसको आपको करना है यूजुअल फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, सिमिलरली आप पहले पॉइंट को हटा लीजिए। पॉइंट हटाते आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पॉइंट के पास 5 digits हैं तो आपके 5 zeros नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आपका हुआ फिर आपको पता है यहाँ पे जब आप लॉ लगा दोगे, अगेन आपको दिख रहा है बेसिस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है, सो वी कैन यूज दिस लॉ। ओके, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ठीक है, मैं इस लॉज को रिपीट करती रहती हूँ बार बार ताकि आपको लॉज लर्न हो जाए। ठीक है, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आप क्वेश्चन में यूं ही फटाफट लॉज को लगा लीजिए। ठीक है, इसलिए बार बार ट्राई कीजिए, करिए कि लॉज को लिखिया कीजिए। ठीक है, तब भी आपको ये दिमाग में बैठेगा। ओके, तो आपका क्या हो गया 3.61, ये देखिए अब यहाँ से पॉइंट हट चुका है, बट आपको जब जैसे आपने लॉ लगाया तो क्या हो गया, 10 का पावर 6 एंड देन -5, इसे करते आपको क्या मिल गया, 3.61492 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1, क्योंकि आपको पता है 10 आ गया। इट मीन्स क्या है कि आपको खाली एक जीरो ही तो मल्टीप्लाई करते ना, पर 10 मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3.61492, एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, बढ़ गया तो आपका आंसर आ गया ये। ओके, 3.61492 0, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब देख रहे हो हमने कितने सिंपल तरीके से सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे। ठीक है, उसमें आपको यूजुअल फॉर्म में करने के लिए कहा था। ठीक है, और सब में आपने देखा होगा सारे लॉज का ही मोस्टली यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या क्या कहता है। ओके, अब यहाँ पे हमें अगेन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्जन करना है।
ठीक है, बट ये कुछ लैंग्वेजेस के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में। चलिए, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिसमें जो आपको नंबर्स अपेयर हो रहे हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर्स में हाईलाइट कर रखा है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम समझते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1000। ओके, तो ये लिखा हुआ है 1/10^6। ठीक है, अब हमें इसे कैसे लिखना है, हमें इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, आपको बताइए, गिवन है 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1, आप ऐसे काउंट कर लीजिए क्योंकि अपॉन में, तो आपको पता है 1 है, ओके, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोस है, आप ऐसे लिख दो 10^6 मीटर, तो प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, अगर हम इसे ऊपर ट्रांसपोज कर दें 1 × 10^-6। अब आप सोचिए मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है m × 10^n। ओके, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस आपने जीरोस को काउंट करा और इसे एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इसमें तो जीरो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मेरे से ध्यान से काउंट करने होंगे जीरो। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0. अब हम इसे पहले काउंटिंग करते हैं, और एक बात आपको फिर से ध्यान रखनी है, हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं तो हमारा एन कैसा हो जाता है, हमारा एन हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं राइट में तो हमारा एन हो जाएगा नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं ऐसे, कैसे करेंगे, पहले हम इसे पॉइंट में काउंट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देख रहे ना मैंने कितना मूव किया, 19 टाइम्स मूव किया, मतलब 1.6 मुझे यहाँ पॉइंट लगाना था, वही मैंने यहां से लेके पॉइंट को उठा के मैंने यहां तक मूव किया, तो क्या आ गया, (10^(-19) कैसे लिखेंगे, -19 लिखेंगे, -19 को। ठीक है, कि मैंने कैसे करा आपको समझ में आएगा, राइट साइड मूव किया इसलिए नेगेटिव साइन यूज किया, और जितने टाइम्स मूव किया, जितने आगे आके मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, उतना हो गया आपका। और आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा, यहाँ पे अगेन मैं बोल रही हूँ, जो आपका एम है वो 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1.6 ही तो है, तो 1 के 10 के बीच में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे भी देखते हैं क्या बोलता है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00005 मीटर। तो इसे करने के लिए हमें फिर से अगेन नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड मूव करेंगे, इट मीन हमारा कैसा आएगा, हमारा पावर आ जाएगा अगेन नेगेटिव। तो हम देखिए, जब हम 5 को इधर मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 × 10^(-). देखिए हम कितने टाइम्स मूव करते हैं, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारा क्या आ गया, राइट हैंड में 10^-7 मीटर। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको खाली यही ध्यान रखना है, हम कब राइट मूव कर रहे हैं, कब लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको 10^ पता करना है कि एन कैसा होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव। ठीक है, अगेन हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। साइज ऑफ अ प्लांट सेल, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। ठीक है, आपको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को मूव करोगे यहाँ पे आके, तभी तो ये एम के फॉर्म में होगा ना, 1 to 10 नंबर्स के बीच में। तो हम इसे लिखेंगे 1.275 × 10^(-). ठीक है, अब आपका मामला यहीं तो आके फंस गया कि 10^ लेंगे क्या, समझ गए, 10^ हम इसमें क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 10^, देखिए हम यहाँ से पहले काउंटिंग करते कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको दिख रहा है हमने 5 टाइम शिफ्टिंग की है और राइट साइड की है, जैसे राइट किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -5 मीटर, ये आपका आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.275 × 10^-5 मीटर। ओके, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर, थिकनेस एक दी हुई है किसी थिक पेपर की, क्या दी हुई है, 0.07 मिलीमीटर। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे अगेन राइट हैंड मूव करेंगे, तो जब मूव करेंगे राइट हैंड, तो 1, 2, आपको दिख रहा है 2 ही प्लेसेस मूव किया, तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई
10 टू द पावर माइनस 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लगा, क्यों? क्योंकि हमें राइट हैंड मूव करना था और स्टेपर भी बहुत छोटा दिया हुआ, तो हमने फटाक से राइट हैंड मूव करा और हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, आपका आ गया 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, हम देखते हैं उसमें क्या कहता है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4th में है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। ठीक है, कोई स्टैक है वहां पे 5 बुक्स रखी हुई है, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, मतलब 5 बुक्स है। ठीक है, और हर एक बुक का थिकनेस कितना है, 20 मिलीमीटर है। ठीक है, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस, और 5 पेपर शीट्स है ईच ऑफ थिकनेस, हर एक की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि एक बुक की थिकनेस कितनी है, ये ईच वर्ड से तो आप समझ रहे होंगे कि एक बुक की थिकनेस इतनी दी हुई है और वहां रखी कितनी बुक्स है, 5 बुक्स रखी है। सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कि थिकनेस ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि थिकनेस ऑफ वन बुक, फिर हम समझते हैं थिकनेस ऑफ वन बुक क्या हो जाएगा, वन बुक इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। ठीक है, सो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई 5 मिलीमीटर, तो ये आपका कितना आ गया, आपका आ गया 100 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपकी पांचों बुक की थिकनेस आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं थिकनेस। अब देखिए पेपर्स बताया ना, वहां पे 5 पेपर शीट रखी हैं और हर एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है, 0.016 मिलीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि थिकनेस ऑफ, ठीक है, थिकनेस ऑफ वन पेपर, हम सबसे पहले लिखते हैं थिकनेस ऑफ आपका वन पेपर कितना हो जाएगा, 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, देन सो थिकनेस ऑफ कितने पेपर है, 5 पेपर शीट। ठीक है, 5 पेपर है तो कितना जाएगा उसका, 0.016 मल्टीप्लाई 5। ये आप समझ रहे कि मैंने कैसे किया, जैसे आपको पता है कि अगर एक चीज का दाम दिया हो और आपको 5 चीज का दाम निकालना हो तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, यहाँ पे हमने यही फंडा लगाया। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब हम क्या क्या करेंगे अगेन, अब हम इसे मल्टीप्लाई करके पहले देखते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखिए आप इसके पॉइंट रिमूव कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 5, और अपन देखिए जब पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो नीचे आ जाएगा 10 का पावर 3। अब हम देखते हैं 16 5 का कितना हो गया, 16 5 का आपका हो गया, ये आपका हो गया 80। ठीक है, 16 5 का आपका हो गया 80 एंड देन 10 का पावर 3, तो इट मीन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 का पावर 3 है। यहाँ देखिए 3 यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा तोड़ के भी लिख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जब आपने इसे रब रब किया, हाँ तो आपने इसको रब कर लिया तो आपको दिख रहा है पे 3 जीरोज हैं, आप चाहो तो इसे लगा लीजिए, एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, 8/100। इसे आप लिख सकते हो 0.08, सभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे। ठीक है, पॉइंट हटाओगे अगेन आ जाएगा, तो आपका इसका सेंस क्या हो गया, आपका इसका स्टैक का थिकनेस आ गया 0.08 मिलीमीटर। ठीक है, आप समझते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें टोटल थिकनेस निकालनी है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल थिकनेस, तो हम टोटल थिकनेस कैसे निकालेंगे, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए हमने इसको और इसको करा सम, क्योंकि हमने पहले सारे बुक्स की थिकनेस निकाल ली जो वहां रखी थी एंड पेपर शीट्स की निकाल ली, हम जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जब से सम करोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है, देन 0.08 मिलीमीटर। अगर आप इसे सम नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पे साइड में भी कर सकते हो 100 एंड देन 0.08, और आप यहाँ 0.00 बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एडिशन बहुत ध्यान से करिएगा, एडिशन भी बहुत लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं जो कि बहुत सिली मिस्टेक है। ठीक है, तो आपने जब इसे सम करा तो आपका कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आप अगर चाहो तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, तो क्या करोगे, आप ऐसे उठा के लेफ्ट में तो मूव करोगे ना, तो आप क्या करोगे, 1.0008,
और आपको पता है आपने पॉइंट कितने टाइम शिफ्ट किया, 1 2, और कहाँ शिफ्ट किया, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब 10 का पावर क्या जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स आपका जाएगा 10 का पावर 2 मिलीमीटर। ठीक है, सो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन वाले कैसे किए हैं सॉल्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड था, है बहुत ही इजी, बट मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि हाँ कितने बुक्स थे, कितने पेपर से। ठीक है, तो आपको होप समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 फिनिश हो चुका है, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस गिवन थे। ठीक है, एक्सरसाइज फिनिश होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है क्योंकि आपके एक्सपोनेंट पावर में बस इतने 2 ही एक्सरसाइज थे जिसपे आप जो कि आपके पूरा पूरा कंसेप्ट चेक करने के लिए बहुत था। ठीक है, आपको इसमें दोनों का दोनों चेक करने के लिए बहुत है। ठीक है, बाकी आप आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैंने वीडियोस के नीचे पीडीएफ की लिंक दी हुई है जिसे आप जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से वहां से नोट को प्रोवाइड जो मैंने किया है वो आप उसे लिख सकें। एंड आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैंने अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। वहाँ पे मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्स बना रही हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप चाहो तो उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।